बनारस, काशी, वाराणसी, गंगा किनारे बसी भगवान शंकर की प्रिय नगरी। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस काशी नगरी की स्थापना स्वयं भगवान शंकर ने 5000 साल पहले की थी। ये शहर संसार के प्राचीनतम शहरों में से एक है। मान्यता है कि काशी नगरी बसी है भगवान शिव के त्रिशूल पर, एक ऐसा अद्भुत शहर जहां मृत्यु सौभाग्य से प्राप्त होती है, एक ऐसा शहर जहां पर जीवन और मृत्यु का अद्भुत मेल देखा जा सकता है। एक तरफ दशाश्वमेध घाट पर मंत्रोच्चारण और आरती के साथ जीवन का उत्सव मनाया जाता है, तो दूसरी ओर मणिकर्णिका घाट पर जीवन का अंत देखा जा सकता है। पावन नदी गंगा और गंगा घाट पर होती आरती, अलग ही मनमोहक नजारा है वाराणसी घाट पर शाम के वक्त होती गंगा आरती का। अपने अगले पड़ाव में जीवन कोश की टीम पहुंची वाराणसी, यानी कि बनारस, यानी काशी। तो चलिए इस पावन शहर के सफर की शुरुआत करते हैं 80 घाट की गंगा आरती से। माँ गंगा के दर्शन करने हम पहुंचे बनारस के घाट पर, जहां की गंगा आरती देखना और उसे महसूस करना जीवन का सुकून है। वाराणसी की गंगा आरती की खास बात यह है कि इसे देखने भारत के अलग अलग कोनों से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी ढेर सारे सैलानी आते हैं। बनारस की गंगा आरती पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। भारत में गंगा आरती 3 जगहों पर होती है, हरिद्वार, ऋषिकेश और वाराणसी। इसके अलावा पुष्कर में भी वराह घाट पर गंगा आरती होती है। अगर गंगा आरती के इतिहास की बात करें तो सबसे पहले हरिद्वार में ही इसकी शुरुआत हुई। उसके बाद 1991 में वाराणसी की गंगा सेवा निधि के संस्थापक स्वर्गीय सत्येंद्र मिश्र ने दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती की परंपरा शुरू की, जो धीरे धीरे बाकी कई घाटों तक बढ़ती चली गई। समय के साथ गंगा आरती की भव्यता भी बढ़ती रही। अब यहाँ कई घाटों पर आरती होती है, लेकिन दशाश्वमेध घाट की आरती का एक अलग ही नजारा है। यूं तो आरती रोज होती है, मगर अमावस्या, छठ और दीपावली के दिन गंगा आरती काफी भव्य होती है। कहा जाता है कि सर्दी, गर्मी, बरसात, तूफान, कुछ भी हो, गंगा आरती अपने समय पर जरूर शुरू हो जाती है, लेकिन सूतक काल हो तो आरती का समय बदल दिया जाता है। गंगा आरती शाम 6 बजे शुरू हो जाती है, लेकिन इसकी तैयारी 4 बजे से ही शुरू हो जाती है। 5 बजे से ही दर्शक आने शुरू हो जाते हैं और अपनी अपनी जगहों पर बैठ जाते हैं ताकि करीब से आरती देख सकें, उस सुकून को महसूस कर सकें। 6 बजे तक घाट की सीढ़ियां श्रद्धालुओं से भर जाती है। हमें 80 घाट की आरती देखने का भी मौका मिला। भीड़ के डर से हम समय से पहले ही घाट पर पहुंच गए, जिससे हमें ये भी देखने का मौका मिला कि गंगा घाट की आरती के लिए तैयारी कैसी होती है। आरती से पहले घाट को गंगा जल से धोया जाता है, बड़े बड़े दियों में घी और बाती लगाकर तैयार किया जाता है, स्टेज तैयार किए जाते हैं, घंटियां, कपूर, चंदन, हवन सामग्री, शंख, फूल आदि की व्यवस्था की जाती है और तकरीबन 6 बजे के आसपास युवा पंडितों की टोली आरती के लिए घाट पर आ जाती है। शंखनाद से आरती की शुरुआत होती है और फिर दियों, मोरपंख, फूलों और कई चीजों से माँ गंगा की आरती की जाती है। संगीत, शंख और घंटियों की मिलीजुली आवाज हर एक श्रद्धालु को एक अलग ही मोह लेने वाली दुनिया में ले जाती है। आप भी देखें गंगा आरती का ये भव्य दृश्य। सभी
आरती पूरी होने के बाद पंडितों के साथ वहां मौजूद हजारों की संख्या में आए दर्शक भी माँ गंगा का जयकारा लगाते हैं और उसके बाद सभी में प्रसाद बांटा जाता है। तो ऐसी होती है बनारस की भव्य गंगा आरती। आप भी कभी बनारस आए तो गंगा आरती जरूर देखें। यहाँ घाट तक पहुंचने के लिए आप ऑटो रिक्शा का सहारा ले सकते हैं या पैदल भी आ सकते हैं। सारे घाट आपस में जुड़े हुए हैं और आप सारे घाटों का पैदल चलते हुए भी दर्शन कर सकते हैं या फिर नाव की सवारी यानी कि बोट राइड का मजा लेते हुए भी सारे घाटों की आरती देख सकते हैं। बनारस इतना भव्य शहर है जिसे शब्दों में बताना शायद मुश्किल हो, इसीलिए हमने शहर को अपने कैमरे की नजर से दिखाने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे बनारस टूर के कुछ और वीडियोस का आनंद लेने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ और चलते चलते हर हर महादेव।